जल्दी जाएं साकेत। नाश्ता बनाया जा रहा है यहाँ पे और बच्चों के साथ ईद गुजार रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फिक्स्ड फैमिली होम में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड फैमिली होम के जो हमारे बच्चे हैं और फन किड्स हैं उनके साथ जो है ईद मनाई जा रही है और फिक्स्ड की टीम और आलमगीर भाई खुद भी मौजूद हैं यहाँ पे और बच्चों के लिए यहाँ पे नाश्ता बनाए जा रहे हैं लजीज और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में जो है हम लोग बच्चों के साथ नाश्ता करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नाश्ते का पूरा इंतज़ाम किया गया है, अंडे पराठे वगैरह रखे हुए हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो है वो नाश्ता हम लोग करेंगे। ये ब्लैक पेपर बाद में डाल देना, ये अभी नहीं डालना था। उसके ऊपर जल्दी जल्दी बन जाता वो होता है तो शुक्रा भी निकल जाता एक साथ ही आलू भी निकल जाता।
ताकि ऑयल लो इसमें ना ऑयल लगा दे मुझे लगा इंक्रीज होगी, मैं इसलिए बोल रहा था इंक्रीज करने के लिए ट्राई करूँ। रोटी बना दी यार, पराठा भी बनाए। करवा दो है ना, बहुत से पूछ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पूछे शेप वो बना के दे रहे। चाय कोई बना रहा है? जी जी वो उसमें रख रहा है नीचे। यार बिलाल को उसमें वो गिफ्ट्स और ईदी दी है, उसमें थोड़ा होना चाहिए। हाँ दूसरे बैग भी है द्रेमान जी, ये रख वो उधर एक जगह पे रख रहा हूँ, बाद में वो बाद में चेंज कर लेंगे, तो कवर कर लेंगे एक ही जगह पे रखा है। हाँ आलमगीर जी, वालेकुम सलाम। आलमगीर भाई आज इसका पहला दिन और आप माशाल्लाह फिक्स्ड, ये इधर उसका बड़ा प्रॉब्लम। आज ईद का पहला दिन है और फिक्स्ड के तमाम वॉलंटियर्स यहाँ आए फिक्स्ड फैमिली होम पे बच्चों के साथ जो है ईद का टाइम बिता रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं और ईदियाँ दी बच्चों को, बच्चों में गिफ्ट्स तकसीम किए और इस वक्त यहाँ बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसके बाद लंच होगा और फिर रात के खाने का इत्माम होगा। तो ये सब पाकिस्तानी भाइयों की मदद से ये मुमकिन हो रहा और हम यहाँ खुद इन बच्चों से मिलें, इन बच्चों के साथ वक्त बिताएं और हमें बताएं कि क्या बेहतरी हो सकती है, हमें बताएं क्या कमी पेशी है हमारी। जो रनिंग एक्सपेंस होते हैं, जो कॉस्ट होती है एक बच्चे पर, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो प्रोडक्ट यहाँ से निकालें कि कल को वो माशरे में खुद खड़ा हो, वो माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, वो माशरे के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती उसको अवेल कर सके, ना के वसाइल की कमी की वजह से, ना के उसको जो महरूम रह गया जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सकता, जहाँ वो अपना कैरेक्टर एक्सप्लोर कर सकता। और यही वजह होती कि मौक़ों का अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क होता। कुछ चंद पैसे वाले लोगों को, बावसाइल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती और चंद गरीब तबके में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इनके वो लिविंग स्टैंडर्ड्स रखें कि कल को ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लायक बने। और इंशाल्लाह इस फैसिलिटी से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स हम यहाँ से पैदा करेंगे और यही नियत थी। इंशाल्लाह ऐसे दर्जनों, ऐसे सैकड़ों फिक्स्ड फैमिली होम्स पूरे मुल्क में बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।